वसंत ऋतु आती है तो पुष्प खिल उठते हैं, प्रकृति का सौंदर्य बढ़ने लगता है। ऐसा ही तुम्हारे जीवन में भी होता है। तुम यौवनवान हो जाते हो और प्रतीत होता है मानो तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ कोई है ही नहीं। सभी तुम्हारे मित्र तुम्हारे प्रेमी हो जाना चाहते हैं और जीवन में अचानक संगीत, प्रसन्नता, वैभव, यश, प्रेम आदि सुख मिलने लगते हैं। जब तुम्हारे जीवन में बसंत आए, यौवन आए, तो खिलते पुष्पों के सुगंध के बीच ये ध्यान रखना, पतझड़ भी आएगा, किंतु पतझड़ की कल्पना से डरना मत, केवल बोध रखना, जिससे बसंत का आनंद भी पालोगे और पतझड़ के भय से मुक्ति भी। एक सिद्ध योगी, एक जागृत मनुष्य किसी यात्री के समान जीवन जीता है, इसलिए बंधता नहीं दृष्टा बन, पतझड़ और बसंत दोनों का आनंद लेना है।